जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा एलईडी बल्ब है, देख सकते हैं ये डुप्लीकेट एलईडी बल्ब है, ये वाला बल्ब जो आप देख सकते हैं ये 18 रुपये का एक बल्ब है। ये बल्ब मेरा जब मैं लाइट बॉक्स के अंदर लगाया था तो फिल्म तकरीबन खोलने में, मीटर खोलने में 4 मिनट का वक्त लगता था ये डुप्लीकेट एलईडी बल्ब से। जब मैं यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मेरा 9 बल्ब लगा हुआ है, देख सकते हैं 9 बल्ब है और ओरिजिनल एलईडी सिस्का कंपनी का, ठीक है, सिस्का कंपनी का 9 वाट का 9 बल्ब ये लाइट बॉक्स बनाया हूँ। इसका लाइटिंग बहुत ज़्यादा है और इसका जब से मैं लाइट बॉक्स फिक्स किया हूँ टाइमिंग इतना कम हो गया है, जैसे कि अगर पुराना फ्रेम है तो 1 मिनट और अगर नया फ्रेम है तो तकरीबन 40 से 45 सेकंड में मीटर खुल जाता है। आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल बल्ब मेरा इतना कम टाइम लेता है और उसी का डुप्लीकेट बल्ब था तो 4 मिनट में फिल्म खुलता था। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म खोल के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको दिखाऊंगा, 1 मिनट के अंदर आपको फिल्म खोल के दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हम बटर पेपर को हम रख देते हैं। देख सकते हैं ये मेरा बटर पेपर है, बटर पेपर है, बटर पेपर को देखिए मेरा प्रिंट किया हुआ है। छपाई जो है ऊपर की तरफ रखना है, ये बैक साइड है और ये फ्रंट है, जिस तरह प्रिंट किया हुआ है ये ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। और शुरू से आखिर वीडियो को देखा कीजिए, वीडियो को देखते नहीं है फिर आप लोग पूछेंगे कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, वीडियो को शुरू से आखिर देखा कीजिए, ठीक है। यहाँ मेरा दुकान पर काम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये इस लिफाफा इस तरह से रख देना है और शीशे ये ग्लास 8 mm का ये ग्लास है, ठीक है, और बटर पेपर हम इस तरह रख देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर अपना फ्रेम रखेंगे, ठीक है। 1 मिनट में आपको फिल्म खोल के मैं दिखाऊंगा। देखिए ये हमारा स्क्रीन है, सोना कोट से कोटिंग कर लिया हूँ और अच्छे से सुखा भी लिया हूँ, अच्छे से, ठंडी का टाइम है अभी तो अच्छे से सुखाना है, हेयर ड्रायर से आपको सुखाना है, कच्चा नहीं रखना है, ठीक है, धूप से बचाना है, हाथ से भी इस तरह सबको साफ कर लेना है, इस तरह से धूल मिट्टी हट जाएगा। करने के बाद इस तरीके से हम इसको थोड़ा बराबर करके बिठा देते हैं और इस तरह से हम स्क्रीन को इस तरह से यहाँ बिठा देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छे से बीचों बीच बिठाने के बाद इसके ऊपर आप वाइट पेपर यहाँ रख देंगे, हम अभी दिखा रहा हूँ मैं, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाइट पेपर मैं इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से रख देंगे ताकि हमारा धूल मिट्टी स्क्रीन ऊपर ना गिरे। और एक मुझे रखना है तो देखिए ये मैंने रख दिया, अब इसके ऊपर और मैं एक पेपर रख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पेपर मैंने यहाँ पे रख दिया। इस तरीके से रखने के बाद, ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपको फिल्म खोल के दिखाऊँगा। इसके ऊपर अब वज़न वाली चीज़ कुछ रख देना है तो मैं इसके ऊपर फ़िलहाल रेत रख दूँगा। तो देख सकते हैं ये रेत है, ये तकरीबन 10-15 किलो रेत इस तरह से कपड़े में रख के, ये देखिए इस तरह रखना है और बराबर बिठा देना है। रेत देने का फ़ायदा ये है कि हमारा स्क्रीन और बटर पेपर बिल्कुल टच हो जाए, ऊपर ना रहे। तो इस तरह से वज़न वाली चीज़ देने से क्या होता है और इस तरह से हल्के हाथों से दबाने से क्या होगा, हमारा बटर पेपर जो है वो स्क्रीन के साथ टच हो जाए, बिल्कुल ऊपर ना रहे, ठीक है, तो टच हो जाएगा तो हमारा फिल्म अच्छे से खुलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा हल्के हल्के हाथों से दबा देते हैं और अभी आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से 1 मिनट में फिल्म हम खोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इस तरह से हल्के हाथ से आपको दबाना होगा, ठीक है, तो 1 मिनट। तो चलिए मैं इसको पहले लाइट दे देता हूँ, ठीक है, चलिए लाइट मैंने दे दिया, चलिए अब 1 मिनट मैं काउंट करता हूँ, 1।
देखिए ये हमारा, मैंने लाइट बंद कर दिया, ठीक है। देखिए अब इस रेत को हम उठा के रख देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं साइड पर रख देता हूँ पहले। देखिए ये मैंने साइड पर रख दिया। अब ये पेपर को भी मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। अब इस पेपर को भी मैं उठा लूँगा, ठीक है। चलिए अब मैं स्क्रीन को उठा लेता हूँ और बटर पेपर को भी जो है उठा के हम रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर, पानी डाल करके दिखाएंगे कि किस तरीके से मीटर खुलता है। तो देखिए यहाँ पे हम अब पानी डाल के दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं पानी डाल रहा हूँ, इस तरीके से पानी डाल के इस तरीके से हिलाना है। उंडे तरफ भी पानी आपको डालना है इस तरीके से। वीडियो को शुरू से आगे तक देखिया कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। इस तरह का वीडियो मेरे बहुत सारे बना हुआ है केजन ग्राफिक्स में। मेरा एक चैनल और भी है गुलाम रसूल 92, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए इस तरीके से पानी डाल के हल्का हल्का हाथों से हिलाना है। देखिए ये हल्के हल्के यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, पानी इस तरह से दे करके हिलाना है, आपको हल्का हल्का खुल जाएगा। अभी इस तरीके से पानी डालेंगे और इस तरह से थोड़ा हिलाएंगे भी, ठीक है, ताकि जो भी सोना कोट फंसा होगा वो निकल जाए। देख सकते हैं ये हमारा हल्का हल्का नज़र आ रहा है, बिल्कुल अभी परफेक्ट तरीके से खुल जाएगा। थोड़ा और पानी हम डालेंगे, इस तरह से आपको पानी डालते रहना है, ठीक है, आराम से खोलना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पानी डालते रहना है और डालने के बाद इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हिलाना है तो आपका, ठीक है, दोनों तरफ से पानी डालना है ताकि हमारा सोना कोट दोनों तरफ से निकल जाए, ठीक है। वीडियो को शुरू से आखिर देखिए फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे, समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप लोग कहेंगे कि मेरे से ये नहीं खुला, आपने आपका मीटर खुल जाता है, हम लोगों से नहीं खुलता है। बहुत सारे मेरे दोस्त का यही प्रॉब्लम होता है कि मीटर धुल जाता है, मीटर हार्ड हो जाता है, मीटर खुलता नहीं है, तो क्या किस तरह खोलें। बहुत सारे कमेंट आता है, ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर आप लोग वीडियो को शुरू से आखिर तक अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा कि मीटर किस तरह खुलता है। तो देखिए इस तरीके से हम थोड़ा पानी डाल के रख देंगे उसके बाद, ठीक है, कपड़ा एक छोटा सा ले लेना। देखिए ये कपड़ा मैंने हाथ में ले लिया, पानी में भिगाया और स्क्रीन में थोड़ा पानी डाल करके हाथ में कपड़ा लेके थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से इस तरह से, देखिए ये इस तरीके से, देखिए हल्के हाथों से थोड़ा सा कपड़ा ले लेना है कॉटन का और इस तरह से वॉश करना है, यानी कि प्रेस नहीं देना है ज़्यादा, हल्के हाथों से करना है और हाथ तो बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। ये चाहे आपके पास स्पंज अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पास स्पंज नहीं है, कॉटन का कपड़ा मैंने ले लिया और पानी डाल के इस तरह से हल्के हाथों से मैं साफ़ कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा मीटर खुल जाएगा। वीडियो को देखिए, अगर आप इस स्क्रीन पेंटिंग का काम को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर देखा कीजिए, ठीक है। देख सकते हैं हमारा मीटर बिल्कुल खुल गया है, लेकिन थोड़ा सा और बाकी है, तो पानी डाल के हम और इस तरह से कपड़ा में इस तरह से हम साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। हमारा मीटर थोड़ा सा अच्छा खुला है, देखिए इस तरीके से कपड़ा हाथ लगाना ही नहीं है, कॉटन का कपड़ा लेके ही इस तरह से साफ करना है। अगर आपके पास स्पंज है तो सबसे अच्छा है, मेरे पास स्पंज नहीं था इसके लिए मैं कपड़े से कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से फ्रेम को ऊपर कर लेना है और इस तरीके से हल्के हाथों से कपड़ा लेकर के थोड़ा हाथ मार देना इस तरीके से, ठीक है। देखिए देख सकते हैं ये, देखिए हमारा मीटर इस तरह से खुल गया, देखिए इस तरीके से, देखिए कितना हल्के हाथ से मैं साफ़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, बहुत ही हल्के हाथ से मैं साफ़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अब हम पंप हम फव्वारा से साफ़ करेंगे। देखिए मीटर हमारा खुल चुका है,
ठीक है, लेकिन फिर भी मैं फवारा से थोड़ा साफ़ कर लूँगा, जो भी सोनाकोट लगा होगा वो सोनाकोट निकल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल क्लियरिटी नज़र आ रहा है। तो अब ये फवारा लेना है और जो भी थोड़ा बहुत बाकी हो फवारा से आपको साफ़ कर लेना है। हाथ अगर आप लगाइएगा तो हाथ मारने से क्या होगा, सोनाकोट आपका निकल जाएगा और आपका जो फिल्म खुला है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह से फवारा से साफ़ कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फव्वारा मार के साफ़ कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल जहाँ भी एकदम परफेक्ट आपको देखना होगा कि कहाँ हमारा साफ़ हुआ है कहाँ नहीं हुआ है, तो ही आपका फिल्म अच्छा खुलेगा और अच्छा आप कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए देख सकते हैं ये हमारा मैटर बिल्कुल खुल चुका है। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, चांदी की तरह चमक रहा है ये, देखिए देख सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं कोई मसला नहीं है। इसका मैं प्रिंट करूँगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए मैं इसको पहले धूप में सुखा लेता हूँ। तो देखिए मैं अब प्रिंट करने के लिए सेट कर चुका हूँ अपने स्क्रीन को, और देख सकते हैं जो मैंने फिल्म आपको खोल के दिखाया था थोड़ी देर में, एक मिनट में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैटर खोल चुका हूं और सुखा भी चुका हूं और सेट भी कर चुका हूं। अभी मैं कार्ड प्रिंट कर दिखाऊंगा। और देखिए ये वाइट पेपर लगाया और ये लिफाफा है ताकि कलर हमारा इस तरफ ना आए। और ये कार्ड देखिए इस तरह से मैं सेट कर लिया हूं। कलर को किस तरीके से पतला करना है देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कलर देखिए। अब इसको पतला करके हम दिखाएँगे। इसमें मैं ये आपको रेड्यूसर है, रेड्यूसर में थोड़ा सा मिक्स कर दूँगा। रिड्यूसर मिक्स करने से कार्ड जल्दी सूखता है, ठीक है। और इस तरह से चमची से आपको अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है, परफेक्ट तरीके से मिक्स करना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है किसी काम में, तो ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छे से मिक्स करने से आपका प्रिंट भी क्वालिटी अच्छा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इस पर डाल देता हूँ वो कि अच्छा, मैं इसका ढक्कन नहीं खोला था, अब मैं खोल दिया हूँ। और थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से डाल दिया और मैं चमची से इस तरीके से मिक्स कर देना अच्छे से, ठीक है। जितने अच्छे से मिक्स करेंगे आपका कलर उतने अच्छा मिक्स होगा, और पतला भी नहीं करना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, बिल्कुल पतला बिल्कुल नहीं। अगर पतला रखेंगे तो कार्ड आपका प्रिंट होगा नहीं, कलर नीचे फैल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नाइट्रो या बेंजिल जो भी आपके पास, तो थोड़ा सा मिक्स करना है, ठीक है, 5-10 ग्राम, ठीक है। देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेना है ना, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आना चाहिए। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करूँगा अभी, ताकि हमारा कलर जो है बिल्कुल डार्क रेड लगे। अभी मैं थोड़ा ब्लैक कलर मिक्स कर दूंगा, जब तक पहले इसको मैं बेंजिल मैंने जो नाइट्रो मिक्स किया है उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। देखिए ये देखिए इतना कलर पतला रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, ठीक है, मीडियम रखना है। अब देखिए ये ब्लैक कलर है, थोड़ा ब्लैक कलर इस पर हम मिक्स कर देते हैं। देखिए ये ब्लैक कलर मैंने यहाँ से उठाना है, थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। ब्लैक देने से क्या होता है कि हमारा थोड़ा रेड जो है ना वो गाढ़ा हो जाता है और अच्छा लगता है देखने में, डार्क हो जाता है। और देने के बाद ऐसे मिक्स कर लेना है। वीडियो आप लोग पूरा देखा कीजिए, वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आप लोग समझ में आएगा। आप लोग वीडियो अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोग क्या, आप लोग फिर मुझे कमेंट में कहेंगे कि प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। और बहुत सारे दोस्त मेरे कमेंट भी करते हैं कि कलर फैल जाता है, कलर ये हो जाता है वो हो जाता है, तो देखिए आप लोगों को मैं बिल्कुल A to Z बताता हूँ, पूरी वीडियो देखा कीजिए, और भी बहुत सारे वीडियो मेरा चैनल में पड़ा हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ प्रिंट करने के लिए आ चुका हूँ, ये स्क्यूजी मेरा 10 इंची, कपड़े से साफ़ कर लेना है ताकि धूल मिट्टी ना रहे, ठीक है। और स्क्रीन को भी साफ़ कर लेना है, देखिए इस तरीके से साफ करना। और ये देखिए कार्ड मैंने सेट कर चुका हूँ, देखिए ये मेज़रमेंट लेके आपको मेज़रमेंट लेना है और इस तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, मेरे चैनल में अपलोड है, किस तरह से क्या पूरा A to Z वीडियो मेरे चैनल में बना हुआ है। तो आप मेरे चैनल में विजिट कीजिए, वहाँ पे केजन ग्राफिक्स सर्च करके आप देख सकते हैं। देखिए कलर को मैं यहाँ से लेके यहाँ पे मैं डाल दूँगा, देखिए इस तरह से लेना है चमची से और इस तरह से
कलर को डाल देना है। चलिए मैंने डाल दिया और ये मैंने स्क्यूजी इसको ले लेना है और इससे मैं कलर को खींचूँ। इस तरह से कलर को थोड़ा ले लेना है, इस तरह से मिक्स कर लेना है और ये इस तरह से। और चाहे तो पहले एक पेपर रख के पहले उसका ट्राई प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट प्रिंट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन अच्छे से खुला हुआ है। तो देखिए मैंने इस तरह से कलर को खींच लिया। देखिए ये मेरा कार्ड है, ये मेरा पहला कार्ड है, ठीक है, देख सकते हैं पहला कार्ड मैंने प्रिंट किया। देखिए अब मैं दूसरा कार्ड यहाँ पे रख रहा हूँ। देखिए ये मेरा दूसरा कार्ड है, ठीक है। देखिए अब इसको इस तरह से कलर लेके इस तरह से खींच लेना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में कार्ड प्रिंट होता है। सेकंड कार्ड देखिए बिल्कुल क्लियर, अब देख सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी है। मैं और भी आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। जिस तरह से जितना आप प्रिंट करते जाएंगे क्वालिटी उतना साफ होते जाएगा। देखिए इस तरह से खींच लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए देख सकते हैं, देखिए देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। अभी और भी ये बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन और भी क्लियर होता जाएगा। अभी देखिए इस तरह से कलर लेना है, इस तरह से हल्के हाथों से खींच लेना है, ठीक है, ज़्यादा प्रेस नहीं लगाना है। देखिए बिल्कुल कोई मसला नहीं आता है प्रिंट में, ठीक है। इस तरह से रखना है, कलर लेना है, इस तरह से खींच लेना है आराम से, ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। देखिए कितनी बेहतरीन क्वालिटी में प्रिंट होता है, देखिए देख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रिंट करने का सोर्स है, आप भी सीख सकते हैं। कम खर्चे में आप कार्ड का काम कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हमारे यहाँ उर्दू और इंग्लिश में ज़्यादा कार्ड प्रिंट होता है, ठीक है। इस तरह से रखते जाना है, कलर लेना है और इस तरीके से प्रिंट कर लेना है, देखिए। और मेरे चैनल किचन ग्राफिक्स में इस तरीके से सीख सकते हैं फ्री में। ए टू जेड मेरा चैनल में अपलोड है किस तरीके से डिज़ाइन बनाया जाता है। मेरा एक और भी चैनल है गुलाम रसूल 92, रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, उस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्लिक करके आप मेरे चैनल में जाएं और मेरे चैनल गुलाम रसूल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी सारी वीडियो फ्री में बनाकर देता हूँ और आप लोग इसको देख कर काम सीखते हैं, कारोबार को करें ताकि आप लोग अपना रोज़गार कर सकें, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रिंट कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था आज का ये वीडियो, मैंने बताया किस तरीके से कार्ड प्रिंट किया जाता है। देखिए ये हमने यहाँ रखा, तो अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लिफाफा प्रिंट किया जाता है। प्रिंट हो रहा है, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में प्रिंट होता है। जिस तरह से कार्ड प्रिंट करना है उसी तरह लिफाफा भी प्रिंट करना है। इसमें कोई जादू का काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, बस सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। कलर लेना है, इस तरह से खींच लेना है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी में प्रिंट होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे कोई मसला नहीं है, ठीक है। कार्ड को इस तरह रखना है, लिफाफा को कलर लेना है और इस तरह से खींच लेना है। देखिए स्पीड में बिल्कुल प्रिंट होगा, इस तरह से रखते जाना है, कलर लेना है और इस तरह से प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो करते करते आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, जितना आप पुराना होते जाएंगे स्पीड भी आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ अभी प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, देख सकते हैं कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, देख सकेंगे। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद है। वीडियो को पसंद है वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करिए और नोट कीजिए। तो चलिए दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद आफ्ताब, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।